आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, इसका हर खबर से। और साथियों फिर कहता है, आज तो मैं कहना चाहता हूं, अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं उसके बारे में कि इसको टिकट मत दो, इसकी जान जब्त हो जाएगी। मदकपुर के पूर्व विधायक राम सिंह जी द्वारा रविवार को ओजोन के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की तादाद में बदरपुर की जनता राम सिंह नेता को सुनने के लिए पहुंची। साथ ही आपको बता दें, वहां पर आए हुए लोगों ने राम सिंह नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और विश्वास दिलाया कि नेताजी आप जिस भी पार्टी से खड़े होंगे हम आपके साथ हैं। साथियों इसने रात रात में तार लगवा दिए उस ग्राम सभा की जमीन और कल से पटरों पर छोड़ रहे हैं कि जिसने ग्राम सभा की जमीन पे तार लगवाए हैं मैं उसका पुतला फूंकूंगा। अरे तार भी तू लगवा दे, पुतला भी तू फूंकेगा है? अरे रेडियो सूर्यस्थान, तूने क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया। ये चाहता था एमडीएफ के कंपनी के लोग मेरे लड़के को एमडी बना दे कंपनी के अंदर। साथियों विकास की बात करता, ये व्यक्ति एक नंबर का चिटर है, इसने कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया। अरे इस बेशरम, उनकी आंखों में धूल मत झो, ऊपर वाले से डर, शैतानी छोड़ दे, इसने हमें धोखा दिया। साथियों जो है वो जोन लगवा रहा है, क्या वो जोन हटाने का काम कर सकता है? अगर ये तुगलकाबाद से लड़के देखे, ये 8 बजे गिनती शुरू होंगी, 8:15 बजे इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ। इसके 3 चमचे हैं, शुक्ला है, अरुण राय है, सेन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चला जा घर दे। ये इसके कंप्लेंट के जोन के इंचार्ज है, ये किसी पार्टी का सगा नहीं है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक एक आदमी इस बात को लोगों को समझाए कि सावधान रहो नटवर लाल आ चुका है, सावधान रहो नटवर लाल आ चुका है, सावधान रहो झूठे लड्डू बंटवा देगा, सावधान रहो झूठे ढोल बजवा देगा, सावधान रहो रात को तार खिंचवा कर ड्रामा खड़ा कर देगा, सावधान रहो 2 महीने आपने सावधान रहना है। इस विधानसभा में ओजोन लाने वाला वो तुगलकाबाद से आता है, ओजोन लगाता है और भाग जाता है, और वो उनकी सहन शक्ति थी, हिम्मत थी राम सिंह नेताजी की, जो आप सभी को अपने खर्चे से राम सिंह नेताजी आप सभी को लेके कमलनाथ जी के पास, उन्होंने ऑर्डर करा वहां से कि आपके क्षेत्र से ओजोन हटेगा। हाउस के अंदर, सदन के अंदर वार्ड मीटिंग में कमलेश कुमार शुक्ला जी ने जो चेयरमैन बनाते हैं अपने आप को, गरीबों के मकान के 200 मकानों की कंप्लेंट रिटर्न में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 मकानों की कंप्लेंट दी है कि नहर पार ओजोन में मकान बन रहे हैं, ये किसके आदेश से बन रहे हैं। उन्होंने डीसी पे प्रेशर डाला, कमिश्नर पे प्रेशर डाला कि एक क्षेत्र का चेयरमैन कमलेश कुमार शुक्ला रिटर्न में कंप्लेंट करता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर चल क्या रहा है? प्रशासन हलचल में आई, प्रशासन ने अपनी नौकरी बचाने के लिए कमलेश कुमार शुक्ला के प्रेशर में आके गरीबों के मकानों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये चाहते नहीं है ओजोन हटे, क्यों नहीं चाहते? गुरु तो प्रेशर डालता चेले पे, बेटा जो भी मकान बनेगा उसका हिस्सा मेरे पास पहुंचना चाहिए। अब चेले की आफत आ जाती है, चेला कहता है इतने मकान बन रहे माल दो, माल ना दो तो गुरु का प्रेशर, माल दो तो खुद का प्रेशर। दिल्ली के अंदर दिल्ली की विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, फिर वो ड्रामा कर रहा है। अभी पिछले महीने मनोज तिवारी को बुलाकर कह दिया कि ओजोन तुम्हारे इलाके में से हट गया है। तिवारी जी को भी श्रम नहीं आई, उसने भी कह दिया कि हाँ मैं कहता हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश का, बीजेपी के प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं कहता हूँ नहर पार के इलाके का ओजोन हट गया। अब हम कहते हैं जब ओजोन हट गया फिर रामवीर सिंह भिदौड़ी दर दर ठोकर क्यों खा रहा है? कभी किसी को भेजता है वीडियो के अंदर,
कभी कहीं भेज रहा है कि तुम जाओ वहां पर हंगामा करो और मांग करो इस जोन को हटाओ। जब हट गया तू परेशान है। मैं कहना चाहता हूं रामवीर सिंह क्यों ओजोन को नहीं हटाना चाहता। अगर ओजोन हट जाएगा तो इसकी रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। जो हम देख रहे हैं जो आज इसके चले नेहरू पार्क के अंदर जो दो कौंसल भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।